चलिए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते, पहले साहिबा जो थाली खा के बताइए कैसी है। तो यहाँ पे दाल कैसी है, गाड़ी दिखाओ, गाड़ी है कि पतली है? दाल गाड़ी है, घर की तरह ही लग रही है देखने में तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किचन इनका इस तरह का है, यहाँ पे बाहर में रोटियाँ बन रही है और मैंने रुमाली रोटी बोली है, तो अभी जब रुमाली रोटी बनेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये इनका कुछ किचन है इस तरह का। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स आज बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग राइड तो नहीं कहूँगा, हाँ शॉर्ट राइड है, क्योंकि जो मेरे घर से है ये एग्जैक्ट 8.5 से 9 किलोमीटर के अंदर ही है, 10 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 9.5 किलोमीटर ही है लगभग। तो आज मैं आया हुआ हूँ, आप इसको रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं आप या ढाबा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो आपको ढाबा ही कहूँगा, रेस्टोरेंट नहीं है। और यहाँ पे जहाँ मैं आया हूँ इस रेस्टोरेंट का या ढाबा का जो नाम है वो है पार्क किचन। तो यहाँ पे बहुत दिन से मेरा दिल होता कुछ खाने का ढाबा, क्योंकि मुझे लास्ट में शायद राइड में गया हूँ, खड़गपुर वाली राइड में गया था, उसके बाद फिर मैं जा ही नहीं पाया, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, तो लॉन्ग ड्राइव भी नहीं कर पा रहा हूँ और कहीं दूर जा भी नहीं पा रहा हूँ। और ढाबे वाला खाना खा के काफ़ी दिन हो गए, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ ढाबा खाना खाने का। और साहिब और दरियान भी मेरे साथ है, तो इसलिए, और रात का वक्त है तो मैं ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा दूर भी नहीं गया, मतलब ऐसा नहीं फैमिली को लेके इतनी रात में ज़्यादा दूर भी जाना सही नहीं है, तो इसलिए मैं जो आज आया हुआ हूँ यहाँ पे, और ये मेरे घर से 10 किलोमीटर यहाँ पे कहाँ पे है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, ये आ रहा है आपको कोलकाता से, मतलब हाँ कोलकाता से आ रहा है न्यू ब्रिज पकड़ कर, और ये जो जा रहा है रास्ता ये संतरागाछी की तरफ जा रहा है। तो रेस्टोरेंट जो है आपको हुगली ब्रिज के 2 किलोमीटर के अंदर है, और संतरागाछी से 1 किलो 1.5 किलो 2 किलोमीटर बिफोर, मतलब मिडिल में पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोलकाता से हो और अगर आपको शॉर्ट राइड चाहिए, रात में फैमिली के साथ डिनर करना है और आप चाह रहे थोड़ा सा कुछ ढाबा टाइप का खाने का एम्बियंस आपको इस तरह का चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप जो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि आने जाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले भी मैं चाय दिया हूँ ऑर्डर, क्योंकि अभी 9 बज रहा रात के, तो चाय नहीं पी है शाम में, तो सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है और एनर्जी भी नहीं आ रही ब्लॉग बनाने की। तो पहले हम लोग चाय ऑर्डर किए और पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे करते हैं। तो चलिए चाय, और यहाँ पर जरियान भी है, हाइक नहीं करोगे? और यहाँ पर साहिबा बैठी हुई है। तो ये यहाँ का एम्बियंस मैं आपको और दिखा दूंगा पूरा। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग ताज़ा हो जाए, उसके बाद फिर बनाते हैं, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चाय भी आ चुकी है, सो चाय जो कप में, और यहाँ पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं जा रहा था मैं लास्ट में आपको जो उसका लिंक दे दूंगा आप क्लिक करके देख लेना, वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैं एक बार और आ चुका था, चाय पिया था, वो मैं जा रहा था कोलाघाट में, कॉफ़ी हाउस गया था कोलाघाट, तो यहीं पर लोग चाय पिए थे आके। तो बहुत दिन से सोचा था यहाँ पे आके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि जो यहाँ के मैनेजर है उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि एक बार ट्राई करिएगा, खाना बहुत अच्छा है। तो आज मैंने चलो बगल में है और खाना भी ट्राई, और नई जगह है तो मुझे मज़ा आता है, नई जगह में जाकर खाने का ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ आ गया हूँ। तो चलिए अब जो है पहले चाय की चुस्की लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी चाय आई है, चलो चाय की चुस्की लेते हैं। अदरक वाली चाय है और चाय अच्छी स्ट्रांग है, तो उम्मीद है कि पूरा सर का दर्द भाग जाने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद थोड़ा एनर्जी आ जाए तो फिर हम लोग पैक होते हैं। तो आप लोग बने रहिए और क्लिक, ये लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, जब तक शेयर कर लो, कमेंट करो, फिर हम लोग तो वीडियो दिखाएंगे। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है स्किप कर देते हो, तो पूरा देख लो यार, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, छोटा ही वीडियो है, लेकिन पूरा देखो है ना। तो चलो चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स हमने अभी अपनी चाय तो पी ली है और ऑर्डर भी मैंने दे दिया है, सो क्या ऑर्डर दिया नहीं दिया है वो तो आ ही जाएगा, वैसे अभी बन रहा है। तो चलिए किचन में थोड़ा सा देखते हैं कैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है दरियान का फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किया था, तो ये फ्रेंच फ्राइज आया है, और प्राइस क्या है मैं आपको जो वीडियो के एंड में बता दूंगा जब बिल आएगा। तो क्वांटिटी तो ठीक है, लेकिन देखने में पता नहीं कैसा लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने भी ट्राई किया, साहिबा ने भी किया, तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लगा। जो नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज होता है पैकेट वाले, ये वो नहीं है, इन्होंने लग रहा आलू काट कर उसको जो कॉर्नफ्लावर जो भी लगा कर कोटिंग करके तब बनाया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है जैसे मार्केट वाला होता है और अंदर एकदम सॉफ्ट है। तो इसको खाने के बाद ऐसे फ्रेंच फ्राई, क्योंकि 99% जगह आपको वही पैकेट वाला मिलता है फ्रोजन वाला, लेकिन ये फ्रोजन वाला नहीं है, और इसका टेस्ट भी अच्छा लगा हमें। तो अभी इसको खाने के बाद ना थोड़ी सी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं खाने से भी, कि बस अलग एक खाना भी जो है अच्छा हो, क्योंकि नई जगह है और मुझे भी नहीं पता खाना कैसा है नहीं है, तो अच्छा खाना होगा तो बस पैसा वसूल हो जाए। तो चलिए अभी खाना बन रहा है, तो हम लोग भी देखते हैं कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इनका किचन भी देखते हैं, तो आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किचन इनका इस तरह का है, यहाँ पे बाहर में रोटियाँ बन रही हैं और मैंने रुमाली रोटी बोली है, तो अभी जब रुमाली रोटी बनेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा।
और ये इनका कुछ किचन है इस तरह का, तो यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर ले लिया गया है तो बन रहा है। छोटा सा किचन है लेकिन काफ़ी अच्छा है और साफ सुथरा ही है। तो ये इनका किचन हो गया और एम्बियंस मैं बोलूँगा मैं इसका क्या, मैं सोचा था कुछ शॉर्ट्स लूँ लेकिन एम्बियंस ऐसा कुछ शॉर्ट्स वाला नहीं है, मतलब सिनेमैटिक्स क्या लूँ मैं इसका, तो इसीलिए आप देख लीजिए नॉर्मल सा जैसे ढाबे में होता है, चेयर वेयर लगी हुई है लेकिन एकदम रोड है, हाईवे है, हाईवे के सामने में आपको ढाबा है। तो मुझे वैसे भी जो अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि मुझे इस तरह के छोटे छोटे ढाबे और इस तरह के जो हाईवे के ऊपर होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी भी लगी हुई है, पार्किंग भी अंदर ही में है। तो अगर आप कलकत्ता में रहते हैं और आपको शॉर्ट रेट फैमिली के साथ चाहिए तो आप आ सकते हो, फैमिली रेस्टोरेंट है। और हाँ, खाना यहाँ पे जो 100% हलाल है, मैंने ये चीज़ पूछ ली थी तो भैया ने बोला हलाल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे अभी तो मैंने चिकन ऑर्डर किया ही नहीं है क्योंकि आज चिकन खाने का दिल भी नहीं है, तो जो भी ऑर्डर किया हो तो आएगा ही। तो चलिए हमारे यहाँ पे रोटी भी बन रही है, रुमाली रोटी, तो देखते हैं कैसे बना रहे हैं भैया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ऑर्डर आ चुका है। सो यहाँ पे जो है मैंने साहिबा ने लिया है फिश थाली। सो ये थाली का दाम शायद 100 रुपीज़, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा बिल आएगा तो कन्फर्म। सो ये फिश थाली में आपको जो चावल है, आलू भाजा है, पापड़ है, चटनी है, रोहू का फिश है एक पीस, और यहाँ पे वो बड़ा आलू की सब्जी है और दाल है। सो 100 रुपये या 120 रुपये के हिसाब से मैं, 100 रुपये शायद थाली का दाम है, 120 जो भी है, तो 100-120 के हिसाब से मैं कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी है। क्वालिटी मतलब क्वान्टिटी में, क्वालिटी कैसी हो तो खाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने लिया अंडा तड़का और रुमाली रोटी। तो ओवरऑल यही हमारा आज का डिनर होने वाला है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि इनका खाना कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते, पहले साहिबा जो थाली खा के बताइए कैसी है। तो यहाँ पे दाल कैसी है, गाढ़ी दिखाओ, गाढ़ी है कि पतली है? दाल गाढ़ी है, घर की तरह ही लग रही है देखने में, तो गाढ़ी है, पतली नहीं है ना। चलो खा के बताओ खाना कैसा है। ये खाना मैं देखता हूँ ना जब भी, तो मुझे दीघा बहुत याद आता है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं दीघा जाने वाला हूँ, तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रैवल ब्लॉग्स स्टार्ट होंगे तो पूरा अभी दीघा का सीरीज़ ऑन हो जाएगा कुछ दिन में। एक्चुअली मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जाने का, लेकिन जरियान का स्कूल भी है और प्लस अभी छुट्टी नहीं चल रही और दिवाली भी है, तो दिवाली के बाद ही इंशाल्लाह, दिवाली में बहुत भीड़ होती है। ये क्या पहला नहीं वाला माशाल्लाह, बताओ भाई कैसी है, और एक दिन वाला खा लो पहले। तो हाँ मैं कह रहा था, तो इसलिए दिवाली की छुट्टी भी मिल रही है, तो सिर्फ 2 दिन की है और दिवाली में इतना रश होता है कि कुछ बोलने ही नहीं, और मुझे रश ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सन्नाटा होता है तो मज़ा आता है, आदमी घूम पाता है सही से। और अभी होटल के भी दाम वाम बहुत ज़्यादा होंगे, जो चीज़ का 2-2 हज़ार है उसका 5-5 हज़ार रुपया ले जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में ये प्रॉब्लम मिलता ही है। ठीक है, मछली कैसी है, सब्जी भी चखो ना, सब्जी कैसी है? सब्जी नहीं खाती हो लेकिन आज खाओ। सोयाबीन है और वो है आलू। यहाँ हमारी सैलेड भी आ चुकी है। देखो गाइस, ये बोलती है मैं सब्जी नहीं खाती हूँ लेकिन मैंने इसको सब्जी खिलाया। बड़ा हराम ही हो बेटा। देखो कैसी है सब्जी, सो मछली अच्छी है। तो चलिए अब ये खा रही है, उसके चलो मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तो मेरा भी यहाँ पे आया हुआ तड़का और रोटी। चलिए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते हैं। तो क्वांटिटी तो सब चीज़ की काफ़ी है और क्वालिटी भी अभी तक तो अच्छी लग रही है। अब देखें ये कैसा है पता नहीं। और ये रोटी है, इसको हम रुमाली रोटी बोलते हैं, थोड़ा छोटी है साइज़ में रुमाली रोटी ना, और बड़ी बड़ी होती है लेकिन गर्म है तो अच्छा है। और आज से वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है, हल्की हल्की ठंड अब आ रही है कलकत्ता में, मुझे लगता है और 15-20 दिन में जो है सबके कम्बल ले आफ निकलने वाले।
ढाबे का खाना होता है उस टाइप का ढाबा है, और खाने का क्वालिटी भी अच्छी है, मैं कहूँगा क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी अच्छी है। चलिए पहले मेरे को खा लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back. लोग खाना खा चुके हैं, और खाना मैं कहूँगा कि दाम के हिसाब, दाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ मेन्यू मैंने देखा है, तो मेन्यू में जो है 100 रुपए दिखा रहा है थाली, और 60-70 रुपीज का शायद तड़का है। तो बिल आ जाएगा तो मैं दिखा भी दूंगा, और जब तक आप लोग मेन्यू पे देख लीजिए पॉज करके, मैं मेन्यू आपको दिखा देता हूँ, तो आप पॉज करके देख ले तो आपको रेट जो समझ में आ जाए क्या रेट है नहीं है। और जगह की बात कहूँ तो मैं आप ये कहूँगा कि अगर आप थाली वाला खाना खाते हैं, मछली अगर आप खाना चाहते हैं ढाबा वाला या बंगाली स्टाइल वाली थाली, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। पहली बार तो फैमिली रेस्टोरेंट है, स्टाफ बिहेवियर भी अच्छा है, किसी को मतलब नहीं है लेना देना, और जितना देर आपको बैठ के स्पेंड करना है करो, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, टाइम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सुकून बहुत है यहाँ पे, मतलब कि इसमें दिल नहीं रहा उठने का, बैठने के बाद एकदम सुकून वाला माहौल है, माहौल भी यहाँ का अच्छा है। और मेन्यू आपको मैं दिखाई देता हूँ, चलिए पॉज करके अब बिल आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इनका मेन्यू है, तो आप जो एक बार पॉज करके देख लेना, पीछे में भी कुछ, हाँ पीछे भी सब कुछ इसमें आपको रेट है, और कहाँ पर नहीं है वो तो मैं आपको एड्रेस दे ही दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूंगा। तो एक बार आप अगर चाहें तो फैमिली के साथ आ सकते हैं शॉर्ट राइड में, क्या बोलती हो बोलो। एक बार आपको अगर आना है शॉर्ट राइड है, अगर आपको फैमिली के साथ निकलना है दिल इस तरह खाना खाने, तो मैं कहूँगा एक बार आ सकते हैं। तो अभी हम लोग एक कप और चाय पियेंगे, अभी बिल भी आ रहा है, चाय पी के उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:15, तो 10:30 बजे तक निकलेंगे, आधा घंटा लगेगा हार्डली पहुँचने 11 तक घर। और कल दरियान का फिर स्कूल भी है, कल लास्ट है ना, फिर 4 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे, 4 दिन मैं और साहिबा भी आराम से सोएंगे सुबह देर तक, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है और उठना हम लोग को पड़ता है साथ साथ। क्या पिक्चर चल रही है यहाँ पे, तो पिक्चर भी चल रही है, और बड़ा पीसफुल है एनवायरनमेंट है, दिल नहीं हो रहा कि मतलब उठें, और खाने के बाद ना और लश हो जाती है बॉडी, और खासकर रात का डिनर के बाद ना बॉडी लगता है, फिर दिल होता है खा लो, उसके बाद बेड याद आता है, और ऐसा लगता है अभी लेटेंगे तो नींद आ जाएगा, जब बेड पे लेटो तो साला 5 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती है। क्या है, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट करके बताओ, और आप लोग क्या करते हो नींद के लिए, फिर उसके बाद ये भी बताओ, मैं भी ट्राई करूँगा, मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरा जंगल है पीछे में। हाँ तो मैं बोल रहा था फ्रेंड्स, ये जब तक चाय आ रही है बिल आ रहा था कि दीघा के बारे में, तो दीघा हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले इंशाल्लाह, आफ्टर दिवाली, मतलब हो सकता है 1st week of November में हम लोग जा सकते हैं, 15 नवंबर के 2nd week of November तक हम लोग जाएंगे, तो थोड़ा मौसम भी ठंडा रहेगा, और ठंड में जो है दीघा में जाने का मज़ा ही अलग है, तो ठंड भी आई जाएगी उस टाइम तक महीने भर में। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को भी, एक से एक अभी वीडियोज आने वाले हैं, तो चलिए बिल आ जाए उसके बाद ज़्यादा। ये बिल हुआ है, ये टोटल हुआ है, तो आप पॉज कर देख लेना, इतना कुछ खाने के बाद मेरे से 286 हुआ है, तो दाम के हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी थी, और बिहेवियर बहुत अच्छा है, और जगह भी अच्छी है, नो डाउट फैमिली के लिए सही है, टाइम पास मतलब एक दिन के लिए सही है, मतलब एक सॉरी वन टाइम के लिए सही है, तो एक बार आ सकते हैं। और ये रेट हुआ, और इसमें से और 30 रुपीज़ ऐड होगा, क्योंकि अभी मैंने 2 चाय और ली है, तो 2 चाय और ऐड होगा, तो मतलब 316 रुपये, 316 रुपये। तो चलिए आप पेट वेट कर दो, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डिनर भी हो गया, बिल भी आपको दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, और अभी बज रहे हैं 10:25, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हमने जो है बहुत दिन बाद मतलब इस तरह का बनाया, तो जो भी था जो भी हमने खाया इसी टाइप का आज खाना है, एक्चुअली मतलब दिल था मछली खाने का, और बंगाली मुझे दिल था तड़का रोटी खाने का, बहुत दिन से नहीं खाया था ढाबा स्टाइल वाला, तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे, और घर के करीब भी है, थोड़ा सा राइड भी हो गई, और हवा पानी चेंज हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम लोग का बिल हो गया, तो हम लोग खाना ना खा के अब सीधा घर जाएंगे, और कल दरियान का स्कूल भी है लास्ट में, उसको टाइम भी सुलाना भी है, हम लोग 5 बजे 11 बज ही जाएंगे। तो आई होप यहाँ अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना है। हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, और बगल में बेल आइकन है याद तो से प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप भी कमेंट में आके कह सके फर्स्ट व्यू फर्स्ट लाइक, मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और बाय बाय। Thank you.
दो फ्रेंड्स हमारा जो खाना कंप्लीट हो गया रवि भाई ने रात को खा रहे थे यहाँ से निकले और चाय पर कहीं से यहाँ पे चाय मिली नहीं है ये नहीं बकूंगा तो आप लोग एंटरटेन कैसे होगी वरना मेरी तरह मैं चुप बैठूंगी।